डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टू में पढ़ने जा रहे मैथ में वर्ड प्रॉब्लम। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है इसको हम लोग को पहले पढ़कर इसको समझना है। समझने के बाद उसमें क्या करना है ये समझ जाएंगे तो इसको हम लोग आसानी से बना लेंगे। इसमें क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना है, पढ़कर देखना है, समझना है। पहले ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। इसमें एक क्वेश्चन है, आई हैव थ्री पेंसिल्स, बोला इसमें मेरे पास तीन पेंसिल हैं। माय मदर गेव मी टू पेंसिल्स, और मेरी माँ जो है मुझे दो पेंसिल दी। तो हाउ मेनी पेंसिल्स डू आई हैव, तो मेरे पास कुल कितने पेंसिल है। तो बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं जो तीन पेंसिल तो मेरे पास ऑलरेडी था पहले, और दो पेंसिल मेरी माँ ने, तो दो पेंसिल और तीन पेंसिल इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जो कुल कितना पेंसिल होगा। तो बच्चों इसको हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो इसमें हम लोग लिखेंगे इस तरह से, पहले थ्री पेंसिल है, आई एफ थ्री पेंसिल है, पहले हमारे पास परसेंट है तीन पेंसिल में, तो तीन पेंसिल हम लोग पहले लिख लिए, और दो पेंसिल माँ ने दी है तो दो पेंसिल को जो हम लोग यहाँ लिखे हैं उसके नीचे में, और इसको हम लोग एड कर देंगे। एड करेंगे तो फिर इसको हम लोग ड्रॉ लाइन वाला जो एड था हम लोग सीखे हुए हैं, इसको ड्रॉ लाइन वाला एड से भी जो हम लोग बना लेंगे। एड करेंगे, ये थ्री है तो तीन लाइन को ड्रॉ करेंगे, दो है तो दो लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे, और इन टोटल को हम लोग ऐड करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, इस जगह पर मेरा फाइव प्राप्त होगा। बच्चों इसको हम लोग इस तरह से भी समझ लेंगे कि आई हैव थ्री पेंसिल, तो तीन पेंसिल हमारे पास है, तो तीन पेंसिल हम लोग उंगली उठा लेंगे, तीन उंगली, तीन उंगली मेरा तैयार है। और उसके बाद जो है मेरी माँ ने जो दिया है वो कितना, दो पेंसिल दिया था, दो पेंसिल इन तीन और दो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे टोटल पेंसिल निकालने के लिए। तो काउंटिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव तो उस तरह से हम लोग इसमें फाइव लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम में ये मेरा एडिशन वाला ये वर्ड प्रॉब्लम है जितना है उसको हम लोग उसमें देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़कर समझेंगे और उसके अनुसार में उसका सॉल्यूशन करेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग इस तरह से ड्रॉ लाइन वाला जो है उपयोग करके ही बना देंगे, आसान सा बनेगा, काउंटिंग करके केवल हम लोग को लिखना है। बच्चों इसी तरह से इसमें जो पीडीएफ दिए हुए हैं उस पीडीएफ को उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और साफ सुथरा क्वेश्चन भी नोट करेंगे तो साफ सुथरा नोट करके जो है बनाएंगे। धन्यवाद।